दही भल्ले के पास चाय बन पीना है। हाय गाइस, ज्यादा तेज हो गया। चलो स्टार्टिंग का बोलती हूँ, फिर तुम हम लेंगे कहा इसमें लेंगे ठीक है। I hope you are doing great. Welcome back to my channel. And बहुत ही सडन प्लान हुआ कि हम मथुरा जा रहे हैं क्योंकि मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद ऑफिस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, सो है ना। एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं वृंदावन की नगरी में। आप जैसे देख सकते हैं कि वेदर काफी अच्छा है और इसका मूड काफी अच्छा हो चुका है। राधे राधे। तो ये हम आ गए कृष्ण जी की नगरी में। सबसे पहले यहाँ पे पहुंचते हमने चेक इन किया, रेडी हुए और निकल पड़े, ई रिक्शा लिया और निकल गए अपनी पहले जगह की ओर जो थी कृष्ण जी की जन्मभूमि। तो ये था पूरा बाहर का नज़ारा जहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी मिठाइयों की, खानों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कपड़ों के लिए और भी बहुत कुछ था। तो थोड़ा सा हमें भी पेट पूजा करना था इसलिए हमने वहाँ पे मंगाया पाव भाजी, जिसकी भाजी बहुत ही टेस्टी थी। फटाफट खाकर हम निकल गए। ये रही जन्मभूमि। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, अपना फ़ोन कैमरा सब लॉकर में दे देना है। आपको कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अंदर लेके नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई ना, एक अलग ही माहौल था, इतना खूबसूरत था सब कुछ कि ऐसा लगा ही नहीं कि यार हमारे हाथ में फ़ोन की ज़रूरत भी है। मतलब मैं वहाँ घंटों बैठ सकती थी। वहाँ पर हम कुछ भी देख रहे थे ना, बस एक शब्द निकल रहा था, कितना प्यार और कितना सुंदर है। मतलब हमें रियलाइज़ तक नहीं हुआ कि ऑलमोस्ट रात हो गई थी हमें बाहर निकलते निकलते। उसके बाद हमें एक दो मंदिर और जाना था जो हमें लोगों ने बताया था कि आप जा सकते हो, तो हमने रिक्शे से ही भ्रमण किया। और मिलते हैं आपसे कल वृंदावन में, तब तक के लिए राधे राधे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। सो हमारा पहला दिन कंप्लीट हो गया, हमने मथुरा में बहुत चीज से घूमी, तो अभी हम वृंदावन के लिए निकले हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे वृंदावन में। रास्ते में हमें एक और मंदिर दिखा, तो सोचा यहीं से दर्शन करते हुए चलेंगे, जो थी माँ वैष्णो देवी मंदिर। हमने दर्शन किया, बहुत कुछ था देखने के लिए वहाँ पे। यहाँ से निकल के थोड़ा पेट पूजा करके हमें पहुँचना था बांके बिहारी मंदिर, और जो खतरनाक भीड़ थी यहाँ पे। हमने अपना दर्शन किया, उसके बाद यहाँ मुझे ये मेहंदी दिख गई। अच्छा इस मेहंदी की स्मेल, आहा हा, मेरा बचपन मुझे याद आ गया कि मैं कितना, कोई मेला लगता था, मेले में ये वाली मेहंदी होती थी तो मैं हमेशा लगवाती थी। तो अब हमें कहीं नहीं जाना था क्योंकि इस टाइम तक सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और लगभग 3-4 बजे के आसपास मंदिर खुलना स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास 2-2.5 घंटा था, हमने सोचा चलो यमुना घाट ही चलते हैं। पहुंच गए निधि वन में। तो वृंदावन में आपको बंदर ही बंदर दिखेंगे आपके चारों तरफ। वेल दे आर रियली क्यूट, पर सिर्फ तब तक जब तक वो आपके हाथ से कुछ छीन के नहीं ले जा रहे हैं। उसके बाद हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल, और यहाँ आकर एक अलग ही माहौल था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा। हम पहुंचे म्यूजियम में जो इस्कॉन टेम्पल के अंदर ही है। यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए
मिलेंगी, लाइफ क्या है, कर्म क्या है। और ये था हमारा आज का आखिरी मंदिर दर्शन, प्रेम मंदिर। वैसे तो हमें सबसे पहले मॉर्निंग में प्रेम मंदिर ही जाना था, पर क्योंकि आप वहाँ रात की लाइटिंग मिस नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि दो बार जाना चाहिए। एक बार दिन में, क्योंकि वो खूबसूरती तो आपको दिन में नज़र आएगी, पर यू कैन नॉट मिस द लाइटिंग, इसलिए रात में, क्योंकि इट्स ब्यूटिफुल, इट्स मैजिकल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। कैसा लगा आपको सब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो दैट इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, राधे राधे।